और इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। कोरोना पॉजिटिव 4 और केसेस मिले हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देखिए 4 और पॉजिटिव केस मिले हैं, ये बड़ी खबर आपको दे दें। कोरोना संक्रमित 2 महिलाएं और 2 पुरुष मिले हैं और 3 मरीजों का नोएडा में इलाज चल रहा है, ये बड़ी खबर। जबकि 1 शख्स का बागपत में इलाज चल रहा है। 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है और प्रदेश से ही हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देते हैं, 4 पॉजिटिव केसेस मिले हैं तो संख्या लगातार बढ़ रही है। भूपेश हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। भूपेश, इन 4ों ही लोगों के बारे में दर्शकों को जानकारी दें कि कौन है, किस तरह का इतिहास, क्या ये लोग भी विदेश से आए थे या भारत के रहने वाले हैं, नोएडा और बागपत के रहने वाले, क्या जानकारी इनके बारे में मिल रही है? देखिए, अभी केवल जो सीएमओ है उन्होंने सिर्फ यही जानकारी दी है कि ये 4 लोग हैं जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अभी इनकी ना तो ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी है, बाकी थोड़ी देर में जो है स्वास्थ्य विभाग वो प्रेस रिलीज जारी करेगा, उसके बाद पता लगेगा। नोएडा के लोग रहने वाले हैं और जिम्स में इनका इलाज चल रहा है, इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। और अब जो संख्या है नोएडा में, पहले अब 14 लोग टोटल हो चुके हैं, नोएडा में जो संख्या पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक राहत की खबर कल आई थी। कल एक व्यक्ति को जो है डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, वो पॉजिटिव, मतलब उसका जो रिजल्ट है पहला वो कोरोना पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके 2 रिजल्ट जो दोबारा उसके जो टेस्ट किए गए थे वो दोनों नेगेटिव आए थे, तो उसके बाद उसको छुट्टी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां कल राहत की जो खबर आई थी, आज एक बार फिर वो डरा देने वाली खबर है कि एक साथ एक ही जगह से 4 लोगों का पॉजिटिव आना अपने आप में बड़ी बात है। थोड़ी देर में प्रेस रिलीज जारी होगी, उसके बाद जो पूरा जो इनके बारे में जानकारी निकल गई। जी, ये वाकई डरा देने और चिंताजनक बात है कि लगातार पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरा, आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या नोएडा में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, क्योंकि 14 के करीब आप बता रहे हैं कि संख्या पॉजिटिव की नोएडा में आ चुकी है सामने। देखिए, बिल्कुल लॉकडाउन का लगातार जो है पुलिस हो या प्रशासन हो वो लोगों के द्वारा पालन करा रहा है। लोगों ने भी, हालांकि चाहे हम सोसाइटी की बात करें चाहे सेक्टरों की बात करें, अब लोग पूरी तरह से जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक लोग को छोड़ के जो लोग जबरदस्ती बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। पिछले 3 दिन की मैं बात करूं, लगातार देखिए लोगों के खिलाफ 144 की धारा का उल्लंघन करने के कारण FIR दर्ज हुई है, गाड़ियों के चालान काटे गए हैं और साथ ही गाड़ियों को सील भी किया गया है। तो पुलिस देखिए सख्त एक्शन में है, लॉकडाउन का पूर्ण रूप से जो है पालन है। जो जरूरी चीजें हैं या जरूरी सामान जो पहुंचाने वाले लोग हैं केवल वो ही बाहर निकल रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। अगर आप राशन की दुकानों पर जाएंगे, किसी भी दुकान पर जाएंगे, वहां पर भी सोशल डिस्टेंस को लेकर जागरूक किया गया है। वहां पर भी लोगों के लिए कतार बनाई गई है कि आप 3 मीटर की दूरी पर ही खड़े होंगे और एक तय समय दिया गया है, इतने समय में इतने लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। तो लॉकडाउन का तो पालन हो रहा है, लेकिन ये ऐसे केसेस हैं जो पहले से थे, मतलब कि पहले इनका टेस्ट जो है जा चुका था, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले के हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद ये सामने आया है। जी भूपेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसे ही आपको जानकारी लगे वो आप बताएं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल अभी इनके बारे में जो जानकारी है वो आई नहीं है। दरअसल अभी बस सीएमओ की तरफ से जो जानकारी मिली वो ये है कि ये पॉजिटिव मिले हैं। अब कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि प्रेस रिलीज एक जारी कर दी जाएगी और ये बताया जाएगा ट्रैवल हिस्ट्री इनके किस तरह के रहे हैं, और फिर उसके बाद जिन जिन लोगों के ये लोग संपर्क में आए, कहीं ना कहीं प्रशासन कोशिश ये करेगा कि उन लोगों की भी जाँच करें।